तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग ये देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर तो हमने निकाल लिया, अब हम बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे गिवन दोनों लाइंस हैं, ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, है ना, बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये दोनों हमारे लाइंस हो गए। अब हमें ये निकालना है कि बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो अगर बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कह रहे हैं तो देखिए दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमेशा चार क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर। तो बेसिकली हमें उस वाले क्वाड्रेंट में लाई करने वाले एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए जिस क्वाड्रेंट में खुद ओरिजिन लाई करता है, यानी इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे हम पहले हम क्या करते हैं कि दोनों लाइंस में हम C1 और C2 को पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि C1 और C2 को हम एक्चुअली पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं। तो C1 और C2 को पॉजिटिव बना दिया, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए, यानी इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी वेरिएबल पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों क्या है, एक ही साइड पे लाई करता है। सिमिलरली इस लाइन के रेस्पेक्ट में भी ओरिजिन और ये पॉइंट एक ही साइड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ओरिजिन को अगर हम इस लाइन पे पुट करें तो जो साइन हमें मिलेगा इस पॉइंट को पुट करने से हमें वही साइन मिलना चाहिए। तो ओरिजिन को अगर इस लाइन पे पुट करोगे तो हमें वैल्यू C1 मिलेगी, और C1 को हम लोग पहले से ही क्या कर चुके हैं, पॉजिटिव बना चुके हैं। सिमिलरली तो इस पॉइंट को भी अगर हम इस लाइन में रखेंगे तो हमें साइन क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम इस लाइन के रेस्पेक्ट में भी देखें तो इस ओरिजिन को अगर हम इस लाइन में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू C2 मिलेगी, और C2 को भी हम क्या बना चुके हैं, पॉजिटिव बना चुके हैं। तो P को भी अगर हम इस लाइन में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास A1H प्लस B1K प्लस C1 ये भी पॉजिटिव होगा, और A2H प्लस B2K प्लस C2 ये भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज इक्वेट कर दिए थे। तो हमारे पास जो लोकस बनता एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में वो लोकस कुछ इस तरीके से बनता, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 square प्लस B1 square एंड इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 square प्लस B2 square, है ना। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी हमारे पास पॉजिटिव है जब हम पॉइंट P को इस लाइन पे लेते हैं। तो जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो हमारे पास मॉडुलस हटने के बाद जो साइन बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यानी हमारा जो फाइनल लोकस आया वो लोकस हो जाएगा A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 square प्लस B1 square इज इक्वल टू A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 square प्लस B2 square, है ना। तो ये हमारा लोकस हो जाएगा और यही हमारे रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है। यानी कहने का मतलब कि अगर हमें एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C1 और C2 को पॉजिटिव बना देंगे, और जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हमने लिखा था उसमें यहाँ पे अगर हम प्लस साइन एक्सेप्ट करते हैं, यानी प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें मिलेगा वही एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। तो इससे हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कैसे निकलेगा। तो अगर यहीं पे हमें ये पूछ लिया जाए कि एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन वो कौन सा होगा, तो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन वाला पार्ट जो हो जाएगा, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, तो जो दूसरा लाइन बचा,
ठीक है, वो हमारा एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन हो जाएगा, यानी उसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट।